हैकर है, ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। हैकर 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 या जमा, लो انتبهت لحركاته हैकर। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे गेम के अंदर आते हैं रीजन प्लेयर टॉप 2 एफटी लीडर और इसके साथ एक स्मोकर था जो कि वी बैच प्लेयर है। तो लॉबी बहुत ज्यादा हार्ड गई है, गेम प्ले भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना है। चैनल पे कोई भी बंदा पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल नोटिफिकेशन भी ऑल के ऊपर कर लेना, बाकी भाई एंजॉय करो। दरअसल लूट वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेकर रश के लिए आ रहा है। क्या भाई मोहम्मद आतिफ, यहाँ पे इनको चलो मोहम्मद आतिफ को यहाँ पे 2 से 3 शॉट्स पड़े हैं और इनके साथ ही पहला किल हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। 38 स्टिल अलाइव है। दोस्तों हम लोग वो प्लेयर तो है नहीं जो भाई ग्रैंड मास्टर या रीजन लॉबी के अंदर बैठ के कैंपिंग करें और उसके बाद एंड जोन तक कैंपिंग करते रहे और फिर जाके मर जाए। भाई हम तो रश करेंगे, मैक्लेरन लेके आया था बंदा, इसी की मैक्लेरन लेके बंदों के ऊपर रश करते हैं। ये लॉबी बहुत हार्ड है, वी बैच प्लेयर है, उधर रीजन के प्लेयर आए थे तकरीबन 20 से 22 प्लेयर ऐसे थे जो कि भाई जिनका नाम काफी अच्छा चलता है, जिनकी फिल्म गेम प्ले बहुत बढ़िया है। बाकी एंड तक देखना है क्या ही पेला है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जो बंदा भाई अपनी गाड़ी लेके आया था हमने उसकी गाड़ी पकड़ ली और यहाँ पे घुमाया है। ओके फाइनली हम लोगों को बंदे भी मिल चुके हैं। क्या भाई T50 सुल्तान, आई थिंक उसी स्मोकर भाई के गिल्ड का ये प्लेयर है क्योंकि T50 उसी गिल्ड का टैग है और T50 स्मोकर जो है उनके पास वी बैच भी है। ओके नीचे एफटी लीडर का नाम भी आप लोगों को श्योर है जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया कि रीजन प्लेयर है तो इनको मारना तो बनता है भाई। चलो चलते हैं, इस साइड पे भी एक बंदा शो हुआ था, आई थिंक ड्रॉप लूटने गया होगा, इसको लेते हैं भाई। रुको जरा सबर करो, इधर गया भाई, नजर तो नहीं आ रहा इधर उधर। अभी तक 40 प्लस से लाइव हैं तो ये लॉबी के अंदर 40 प्लस रहने वाले हैं। आप लोगों ने ना सिर्फ लॉबी के अंदर किल निकालने होते हैं बल्कि सरवाइव जरूरी होता है इस लॉबी के अंदर, किल चाहे ना भी मिले। लॉजी हम लोग लॉन्च पैड लेके इस साइड पे जा रहे हैं और वो बंदा जिसके लिए हम गए थे उधर, वो लॉन्च पैड लेके उधर ही चला गया जहाँ से हम अभी आए हैं। ओके बैक चलेंगे, बैक चलेंगे भाई, इसको उधर लेंगे। लॉजी यहाँ पे थोड़ा सा नेट का ग्लिच हुआ। ओके यहाँ पे स्मोकर नॉक है भाई, स्मोकर के पास था वी बैच प्लस, इसके पास था S2। एक और आया, क्या भाई सुल्तान अगेन यहाँ पे नॉक एंड फिनिश। अभी एक और भी मार रहा है भाई, कितने बंदे हैं यहाँ पे, अभी तो 3 तो हम लोगों ने यहाँ पे मार लिए हैं। एक और है, ये पिटेगा भाई, ये जो ग्रेनेड फेंक के तंग कर रहा है ना, इसको इमोट भी दिखाएंगे अगर ये मरता है तो अपने आप। ओके ओके आजा 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 मुन्ना आजा। चलो यहाँ पे जैकी को 2 शॉट, जैकी आई थिंक बहुत ओल्ड प्लेयर है अगर तो ये मैंने सही गेस करा है क्योंकि जैकी जो है ना ये नाम पहले बहुत दफा देखा, हो सकता है कि न्यू प्लेयर उसने रख लिया हो लेकिन लग नहीं रहा था कि क्यों न्यू प्लेयर है, बहुत ही ओल्ड पुशर है। आई थिंक ओवी की गिल्ड में यह बंदा था। ओके भाई लॉन्च पैड पकड़ के इधर आए हैं, क्या मुझे लग रहा था कि इस साइड बंदा था तो मैंने दोबारा से लॉन्च पैड पकड़ के एयर ड्रॉप की साइड आया है और तो एक बंदा जो है लॉन्च पैड लेके भाग गया था बट दूसरे बंदे को हम लोगों ने यहाँ सिर्फ ले लिया है किल। तो 6 यहाँ पे डन है, 36 बंदे अलाइव हैं। जैसा कि आप लोगों को अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि रीजन लॉबी में होता ये कि एक बंदा इन लोगों ने स्पेशल सर्वाइवर रखा होता है जिनका टोटल काम ये होता है कि एक गाड़ी पकड़नी है, उससे जितने भी लॉबी के अंदर टोकन्स हैं उनको जमा करना है और सारे बाकी तीनों टीममेट रश करते हैं तो वो तीनों जब भी मरते हैं ये गाड़ी पकड़ के उनको रिवाइव करता रहता है। और उनकी कोशिश यही होती है कि गाड़ी पकड़ के ऐसी मशीन पे जाएं जहाँ पे एनमी वगैरह ना हो तो उस जगह पे जाके लूट करते हैं और आराम से बंदों को रिवाइव करते रहते हैं। तो उनका टोटल काम यही सिर्फ रिवाइव करना होता है, कोई किल वगैरह नहीं करना होता। अगली गेम में सर्वाइवर चेंज भी हो जाता है तो ये होते हैं भाई स्पेशल VIP सर्वाइवर जिनकी टेक्निक्स इतनी अच्छी होती हैं कि भाई इनके पास अल्ट्रा लेवल की लास्ट जोन तक आपको ये रिवाइव कराते रहते हैं और एक दफ़ा रिवाइव नहीं कराते, रीजन प्लेयर्स को कम से कम एक गेम के अंदर 10 से 15 दफ़ा रिवाइव करा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की तो बात ही नहीं ना करो ना। तो इनका प्लस काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि एंड तक सर्वाइव भी हो जाता है और प्लस भी मिल जाता है। बाकी चेक करो भाई यहाँ पे अभी 36 अलाइव हैं तो मतलब अभी 40 से 50 हो सकते हैं रिवाइव होके दोबारा, क्योंकि लास्ट जोन तक ना भाई रीजन लॉबी के अंदर आप लोगों को 40 से 45 बंदे मिलते हैं देखने को।
तो यही होता है भाई, अगर आपके ग्रैंड आपके गेम के अंदर गलती से भी हार्ड लॉबी आ गया ग्रैंड रीजन वाली, तो आप लोगों ने उस लॉबी के अंदर ट्राई ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव का प्लस बहुत अच्छा होता है और लास्ट जोन तक टॉप टू टॉप थ्री के अंदर लेके आना होता है, वरना नहीं प्लस मिलता। ओके इस साइड के ऊपर एक बंदा, ओ भाई ये तो रीजन प्लेयर है आपकी लीडर भाई, क्या ही मारा है भाई, मज़ा आ गया। ओके ग्रेनेड वगैरह हुक करके फेंका, एक बंदा बैक साइड भी घूम रहा है, दो बंदे इस साइड भी ऊपर है। अगेन दो प्यारे हेडशॉट। ओके आपके लीडर एक पिटेगा भाई, बंदे का लेवल है भाई 90 लेवल प्लस का प्लेयर है। लॉजी बढ़ गया इसके, बंदे ने पीछे से हम लोगों को नॉक करा है। एक्स नाइट एंटी, इसको बताते हैं भाई, गलती से भी अगर हमारा टीममेट रिवाइव करता है तो इसकी भी लेंगे बिल्कुल। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ओके साफ यहाँ पे उतरे हैं रिवाइव होके, तो हम लोग इधर ही रिवाइव हो जाएंगे, लूट वगैरह की बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि लूट वगैरह हमारे पास वही रहेगा कि हम लोग पूरे क्लियर हुए नहीं। और गुड लक चेक करो कि बंदे ने ऊपर से आके हम लोगों को रिवाइव करा दिया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। तो हम लोग दोबारा यहीं से इनके ऊपर रश करते हैं और देखते हैं भाई कौन गधा था जिसने अपने कोई मोड दिखाया है। ये रहा, चलो और एक्स नाइन एंटी, चलो यूर एक्स, ये भी नॉक एंड फिनिश, और जिसने हम लोगों को मारा था वो भी नॉक। ये रहा एफटी लीडर भाई, लिटरली इस गेम के अंदर तीसरी दफा पिटा है, 7 डन है बाकी, चेक करो 8वां भी मिल चुका है। एक्स एंटी जिसने हम लोगों को इमोट दिखाए थे भाई, वो बंदा भी फिनिश हो चुका है, उसको पता है अगर हम लोग आ गए तो इसको भी इमोट दिखाएंगे। बाकी 28 बंदे अलाए हुए यहाँ पे पीक के ऊपर आ चुके हैं। पीक भाई ग्रैंड मास्टर लॉबी के अंदर सबसे खतरनाक जगह होती है, अगर आपको किल चाहिए तो यहीं पे रहें, एंड जोन तक आप लोगों को इतने किल मिलेंगे ना, अगर अच्छी नहीं है तो इस जगह से जितना दूर रह सकते हैं रहें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की डेथ कन्फर्म है। ओके टॉकन थे तो मैंने सोचा कि S2 को रिवाइव करा लिया जाए। क्या भाई दो ही शॉट पड़े हैं यहाँ पे, एक हेड शॉट एक बॉडी स्प्रे, चलो किल कंफर्म हो गया। अबे 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 भाई जिस बंदे ने उसको नॉक करा था उसको हमने नॉक करा, फिर उसने नॉक करा, फिर हमने करा, तब जाके किल मिला। आई थिंक मेडिकेट मार लेने चाहिए, 10 किल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, 24 कहीं ना कहीं 23-24 अलाइव हैं, और अभी तो रिवाइव होंगे भाई, बिल्कुल होंगे यहाँ। बाकी यार किसी ने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर दो, इस गेम में अभी तक हमने मारा है रीजन प्लेयर, आपकी लीडर रीजन प्लेयर स्काउटर और भी बहुत सारे नाम जिन्होंने काफी। अबे ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या कहा गया है भाई, चलो नॉक पड़ा है। ये वही प्लेयर है जैकी जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ओल्ड है, इसका गेम देख रहे हो मरने का नाम नहीं ले रहा था भाई, ये होता है ये पिटेगा। और इसका किल चोरी हो गया, इस बंदे ने इमोट दिखाया था मुझे। और यहाँ पे स्क्वाड मेंबर के काम चेक करो, एक साइड से रिवाइव करा के आते हैं दूसरी साइड से मर जाते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बट कोई ना यहाँ पे ट्राई करेंगे कि एक दो किलो और भी निकाल लें और टीममेट्स को भी जल्दी से जल्दी रिवाइव करा दें। आई थिंक इस साइड पे क्लियर हो गए, बैक साइड पे शायद एक आधा बंदा है। ओके अगेन हम लोगों ने टीममेट्स को करा दिया भाई रिवाइव, और एक बंदा उस साइड के ऊपर है, इस साइड के ऊपर अगर कोई आया अंदर की साइड को फिर पिटेगा भाई। MP5 3 चिप्स नी लेवल मिल चुकी है, 3 चिप्स नहीं बोलेंगे चिप। बाहर की साइड आई थिंक 2-3 बंदे अभी भी मौजूद हैं, किधर है भाई नजर तो कोई नहीं आ रहा, बट गोलियां चलाई जा रहे हैं, एक आई थिंक वो ग्रीन वाली वॉल के पास गया है, बैड एक्स नदान यहाँ पे नॉक है, ये बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा भाई, कितनी गोली पड़ी इसको। अबे ये क्या पहन क्या है भाई,
लो जी स्क्वाड के अकलौते प्लेयर बचे हैं हम लोगों ने, यहाँ पे 11 तो डन कर लिए थे, फुली हार्ड ड्रन लॉबी ने, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, यहाँ पे अकलौते प्लेयर बचे हैं एसएसजी मिस्टर सैफ। और रिवाइव की तो क्या ही बात करें, कितनी दफा हम लोगों ने स्क्वाड को रिवाइव करा है, बट वट यहाँ पे हार्ड लॉबी आपको पता है जैसे उतरते हैं तो आधे तो पैराशूट के अंदर ही मर जाते हैं, तो यही सीन होता है भाई, क्योंकि इनकी नजर हर साइड पे काम कर रही होती है, रीजन प्लेयर की आंखें खुली हुई होती है। ओके ये वही प्लेयर है भाई, इसका लिटरली 230 HP है, 4 का वेस्ट पहना हुआ है, तभी नहीं मरा ये। आगे लाइक एंड शेयर मार दो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट।